दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आपको मॉनिटर कैसे लेना चाहिए, और इसका मतलब हो गया आईपीएस या वीए या टीएन पैनल। ये तीन पैनल आपको मॉनिटर्स में देखने को मिल जाते हैं, और इन तीनों में से कौन सा बेटर है या कौन सा आपके लिए है, क्योंकि तीनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा आपके लिए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और मैं आपको बताने वाला हूँ आईपीएस टीएन या वीए पैनल आपके लिए या आपको कौन सा लेना चाहिए, ताकि आपकी नीड्स एकदम सही जगह जाए और पैसे भी आपके एकदम वेस्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और करते हैं यहाँ पे एक अच्छा डिटेल डिस्कशन। तो दोस्तों वीडियो हो चुके हैं शुरू, और जो और हाँ, वीडियो को चालू करने से पहले एक बार मैं आपको ये बता दूं कि जो भी लिंक्स है अच्छे मॉनिटर्स के, वो मैं सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और वो अमेज़ॉन के लिंक्स है। तो अगर आप मॉनिटर ले ही रहे हो, तो अगर आप वो लिंक से लोगे तो चैनल को यहाँ पे हेल्प मिलेगी, तो उससे मैं आपको और अच्छी वीडियोस दे पाऊँगा और अच्छे कंटेंट दे पाऊँगा, अनबॉक्सिंग भी ला पाऊँगा पीसी पार्ट्स की या मोबाइल्स की, या मैं बहुत कुछ ला पाऊँगा। तो अगर आप कुछ ले ही रहे हो तो उसी लिंक से लो जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या अगर आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो, जो कोई दूसरा मॉनिटर ले रहे हो उसका लिंक नहीं है, तो कमेंट करके वो लिंक मांग लो, ताकि चैनल को हेल्प मिल जाएगी भाई, और क्या कुछ नहीं। लेकिन जो भी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अच्छे मॉनिटर की। और हाँ, ये जो मॉनिटर आप पीछे देख रहे हो, ये मैंने लिया, ये एक आईपीएस पैनल के साथ आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा मॉनिटर है, बहुत ही बढ़िया कलर एक्यूरेसी है, एंटी ग्लेयर है, बहुत ही अच्छी इसकी कलर क्वालिटी, और बहुत ही मज़ा आता है इसको यूज़ करने में। तो इसका भी रिव्यू है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, और आई बटन में भी आपको इसका रिव्यू वीडियो देखने को मिल जाएगा, जो कि अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू दोनों एक साथ है। तो उस वीडियो को भी आप देख लो अगर आपको कोई मॉनिटर लेना हो। ये 22 इंच का मॉनिटर है, 6-7000 का मिलता है सेल्स में, नॉन सेल डेज में आपको ये 8000 का मिल जाएगा फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे। तो जो भी लिंक्स हैं नीचे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आईपीएस पैनल की, फिर हम वीए फिर टीएन पे आएंगे। आईपीएस की बात करें तो जो आईपीएस पैनल है यहाँ पे, वो उसका मतलब होता है इन प्लेन स्विचिंग। हम ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको मॉनिटर लेना है, उसको बनाना नहीं है, तो इसलिए आईपीएस यानी इन प्लेन स्विचिंग होता है। और ये बेस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले है मार्केट में अवेलेबल, बेस्ट क्वालिटी का, सबसे टॉप पे स्टैंड करता है ये कलर एक्यूरेसी के मामले में, और कलर गैमेट के मामले में। कलर गैमेट मींस इसका जो कलर कवरेज है डिफरेंट शेड्स की, वो 99% है, यानी आपको 100% की यहाँ पे आपको कलर शेड्स देखने को मिल जाते हैं। जितने भी यहाँ पे sRGB है, उसका 100% कवरेज देखने को मिल जाता है, यानी सब शेड्स IPS यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएगा, यानी आपको इसमें 100% कलर कवरेज देखने को मिल जाता है। यानी ये मॉनिटर जो भी शेड निकालता है या जो भी आप देखते हो, वो 99% एक्यूरेट है कलर के मामले में। और इसके जो व्यूइंग एंगल्स है, वो सबसे बेस्ट है। ये आईपीएस वाले जो मॉनिटर होते हैं, वो 180 डिग्री तक फुल कलर एक्यूरेट रहते हैं, कोई कलर शिफ्ट नहीं होता, जो जैसे टीएन में आपको देखने को मिल जाता है कि जो अगर आप एकदम एक्सट्रीम राइट या लेफ्ट से देखोगे तो कलर बहुत फेड हो जाता है, शिफ्ट येलोइश टिंट आ जाता है। तो आईपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आईपीएस में आप किसी भी एंगल से देखो 180 डिग्री तक। फ्लैट मॉनिटर होता है ऐसे, तो अगर आप एकदम कोने से भी देखोगे राइट या लेफ्ट साइड के, आपको एकदम सही कलर देखने को मिलेगा, और इमेज की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, या कोई टिंट येलो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो आपको सेंटर में दिख रहा है, वैसे ही आपको सेम टू सेम एकदम एक्सट्रीम राइट या एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में भी दिखेगा। तो कलर एक्यूरेसी आईपीएस की एकदम बेस्ट होती है, और एकदम कलर करेक्शन के लिए या प्रोडक्टिविटी वर्क, जैसे फ़ोटो एंड वीडियो एडिटिंग के लिए, या कलर करेक्शन है या कलरिंग करनी है वीडियो में, उसके लिए आईपीएस मॉनिटर एकदम बेस्ट होते हैं, जो कि आपको 100% कलर एक्यूरेसी दे देते हैं। और अगर हम बात करें गेमिंग के लिए, तो आईपीएस में भी अब आपको ज़्यादा रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाते हैं, यानी हायर रिफ्रेश रेट और लोअर रिस्पांस टाइम, लेकिन वो आईपीएस महंगे होते हैं नॉर्मल वीए या टीएन में से। तो अगर आपको गेमिंग के लिए लेना है और 144 हर्ट्ज़ चाहिए, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा, लेकिन अब के जो मॉडर्न आईपीएस है, वो आपको 75 हर्ट्ज का मिनिमम रिफ्रेश रेट तो देते हैं। ये जो मॉनिटर है, ये भी 75 हर्ट्ज का है, प्लस AMD फ्री सिंक भी आ रहा है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम 60 हर्ट्ज से तो ऊपर आ ही चुके हैं आईपीएस के मामले में।
और 75 हर्ट्स तो हमें देखने को मिल ही रहा है, एकदम हर मॉडल में तो नहीं मिल रहा, लेकिन LG के मॉडल्स में आपको 75 हर्ट्स मिल जाता है, HP के में नहीं है। और BenQ मॉनिटर है उसका भी, उसमें भी 75 हर्ट्स नहीं है, और बाकी Acer के भी कुछ मॉनिटर उसमें भी 75 हर्ट्स नहीं है, तो सब में नहीं है, लेकिन LG के मॉनिटर 75 हर्ट्स के साथ आते हैं, और इसके इसका जो पैनल है IPS वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो थी IPS की बात है। अगर हम बात करें VA की, तो VA का मतलब होता है वर्टिकल अलाइनमेंट, और इस ये बेस्ट पैनल तो नहीं है, लेकिन IPS और TN के एकदम बीच में आता है, ये IPS से थोड़ा नीचे है लेकिन TN से ये थोड़ा ऊपर है, तो ये एकदम बीच में आ जाता है। ये बेस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, लेकिन एक नॉर्मल क्वालिटी का डिस्प्ले है। ये कलर एक्यूरेट उतना नहीं है IPS के जितने, ना कि इसके कलर गैमेट यानी कलर कवरेज भी IPS जितना नहीं है। इसके जो VA पैनल है वो कलर उसका कलर गैमेट है 85-87% का एवरेज कलर गैमेट VA पैनल्स का। तो अगर आपको कलर करेक्शन वर्क के लिए चाहिए या फोटो या वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, तो आप IPS के साथ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको एकदम ट्रू कलर देखने को मिलेंगे, यानी जो शेड फ़ोटो में आप डाल रहे हो वही शेड आपको मॉनिटर पे दिखेगी। वरना होता है कि आपने मॉनिटर में कुछ और दिख रहा है और जब आप उसको मोबाइल फ़ोन में देखते हो तो शेड यहाँ पे कुछ थोड़ी सी फ़र्क है यहाँ पे, तो ऐसे आपके प्रोजेक्ट्स पे वाट लगने वाली है। तो इसलिए अगर आप कलर करेक्शन या प्रोडक्टिविटी वाले काम करते हो जिसमें आपको कलर की एक्यूरेसी चाहिए, तो आप IPS के साथ ही जाओ। VA यहाँ पे उतने एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन 85-87% का कलर गैमेट आता है, तो उतना ही उनकी एक्यूरेसी भी रहती है। और VA के व्यूइंग एंगल्स उतने अच्छे नहीं है IPS जितने अच्छे, व्यूइंग एंगल्स बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ जो VA पैनल है उसके जो उसके व्यूइंग एंगल्स है वो TN पैनल से तो ज़्यादा ही अच्छे है, लेकिन IPS जितने भी अच्छे नहीं है। लेकिन एक जगह है जहाँ पे VA बहुत ही अच्छा निकल के आता है, वो है इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो, जो कि आपके बहुत ही सारे एंट्री लेवल जो मॉडल है जो सैमसंग के है वो 3000:1 के रेशियो के साथ आता है, यानी आपको डीप ब्लैक्स एंड डीप ग्रे वाइट ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो उन VA पैनल वालों का बहुत ही अच्छा है, यानी एकदम डीप ब्लैक्स और डीप ग्रे देखने को मिलेगा। तो ब्लैक्स और ग्रे की क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छी होने वाली है, लेकिन फिर भी IPS यहाँ पे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो लेकिन अगर आपको सिर्फ गेमिंग के लिए चाहिए या बस मूवी वॉचिंग या एंटरटेनमेंट वॉचिंग के हिसाब से चाहिए मीडिया कंजम्पशन, तो आप VA पैनल में भी जा सकते हैं अगर आप IPS नहीं ले सकते। लेकिन अभी मार्केट में IPS और VA का जो प्राइसिंग है वो बहुत ही इक्वल है, तो इससे अच्छा आप IPS ही ले लो, VA पे क्यों जाना। गेमिंग की बात करें तो जो VA पैनल है वो भी हाई रिफ्रेश रेट ऑफर करते हैं सस्ते प्राइस में IPS के कंपैरिजन में। तो अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो आप VA ले सकते हो, उसमें आपको 144 हर्ट्स सस्ते में मिल जाएगा। अब हम TN की बात करें तो TN का फुल फॉर्म है ट्विस्टेड नेमेटिक्स। TN सबसे घटिया क्वालिटी का पैनल है अवेलेबल मार्केट में, सबसे घटिया क्वालिटी का है, एकदम ही घटिया है, और बहुत ही सस्ते मॉनिटर्स में आपको देखने को मिल जाता है और बहुत ही सस्ते प्राइसिंग पे। तो TN तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का मॉनिटर है, लेकिन एक पॉइंट है जिसमें वो भी मतलब पूरे मार्केट में लीड करता है, लेकिन वो मैं बताऊंगा किस में। लेकिन पहले बता दूं तो जो TN पैनल है उसके जो व्यूइंग एंगल्स है वो एकदम घटिया है, एकदम घटिया, सच में ये जो घटिया वर्ड है वो सच में सही है TN के लिए। तो कोई कमेंट में उल्टा सीधा मत लिखना TN घटिया होते, लेकिन एक चीज़ है वो मैं बताऊँगा कौन सी। लेकिन TN के जो व्यूइंग एंगल्स है वो बहुत ही घटिया है, जो कलर एक्यूरेसी वो बहुत ही घटिया है, यानी जो TN पैनल की जो कलर एक्यूरेसी है, जो कलर गैमेट है, वो VA से भी बहुत नीचे, यानी 80% के आसपास है। तो बहुत ही घटिया बात है, एकदम कलर की तो धजिया उड़ने वाली है। और अगर हम बात करें इसके कॉन्ट्रास्ट रेशियो की तो वो भी बहुत ही घटिया है। जो TN पैनल है जो एंट्री लेवल मॉडल्स में आपको देखने को मिल जाते हैं वो 700:1 के रेशियो के साथ आता है, 700, और थोड़े अच्छे वाले TN में जाओगे तो वो 1000:1 का दे देंगे। लेकिन वहीं अगर बात करें तो जो IPS है उसकी जो IPS की जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो यहाँ पे 1200 to 1500:1 का आपको मिल जाता है हर एंट्री लेवल में। तो IPS तो फिर भी अच्छा है उस मामले में, लेकिन जो VA से भी नीचे आ जाता है TN, तो TN के जो जो यहाँ पे VA तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो में किंग है, लेकिन जो TN है वो तो एकदम ही बेकार है। तो ना कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा होता है इसका, ना व्यूइंग एंगल्स अच्छा होता है। अगर आप
एकदम कोने से देखोगे इस मॉनिटर को, एकदम कोने से भी नहीं, अगर आप थोड़ा भी राइट या लेफ्ट साइड से देखोगे या नीचे से या ऊपर से भी देखोगे, बिलो या अबव एंगल या लेफ्ट या राइट एंगल, तो भी यहाँ पे आपको कलर शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। जो टिंट है वो एकदम येल्लोइश हो जाएगा, एकदम येल्लोइश डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा अगर आप लेफ्ट या राइट से देखोगे। सेंटर से देखोगे एकदम 90 डिग्री पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन अगर आप जाओगे 120, 130, 140, 150, 160, 170, 80 डिग्री तो वाट लगने वाली है कलर की, तो और जो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, एकदम अंधेरा हो जाता है। जो अगर आप उसको नीचे से देखोगे ना, एकदम बिलो से, जैसे जैसे आप अपनी एंगल को, आँखों के एंगल को नीचे करोगे, वैसे ही एकदम अंधेरा होते रहेगा और आपको सिर्फ दिखेगा वो है बैक लाइट, आपको सफ़ेद सफ़ेद चीज़ दिखेगी बैक लाइटिंग जो की है। जो व्यूइंग एंगल्स है वो भी बेकार है, जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो वो भी बेकार है, लेकिन एक जगह है जहाँ पे एकदम राजा बना है और वो है इसका रिफ्रेश रेट और लोअर रिस्पॉन्स टाइम। और रिफ्रेश रेट की अगर मैं बात करूँ तो TNE एक ऐसा मॉनिटर है जो 240 हर्ट्ज़ तक गया है, 240 हर्ट्ज़ तक गया, और अभी तो शायद 320 या 40 या 60 वाला कोई हर्ट्ज़ का मॉनिटर भी लॉन्च हुआ है TN के साथ में। और बात करूँ तो TN ही एक पहला ऐसा पैनल था जो कि 240 हर्ट्ज़ तक गया। IPS अभी 165 के आसपास है, 180, हालांकि 240 वाला IPS भी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा फिर, TN से तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, फिर प्राइसिंग भी मैटर करती है तब। और VA भी अच्छा खासा रिफ्रेश रेट यहाँ पे देता है सही प्राइस पे, लेकिन TN जो है वो आपको बहुत ही हाई रिफ्रेश रेट देता है और उतना फिर प्राइसिंग भी नहीं लेता वो, तो मतलब आपको कम प्राइस में ज़्यादा आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और लोअर रिस्पॉन्स टाइम, एज़ लो एज़ 1 मिलीसेकंड्स तक का आपको रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिल जाता है TN पैनल में। तो अगर आप एक गेमर हो जिसको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए और जिसको इतना बजट भी नहीं बढ़ाना मॉनिटर के लिए, सिर्फ गेमिंग करनी है, रिफ्रेश रेट से मतलब है आपको राइट लेफ्ट व्यूइंग एंगल्स कलर एक्यूरेसी से मतलब नहीं है, सिर्फ अच्छा रिफ्रेश रेट चाहिए और लोअर रिस्पॉन्स टाइम, तो आपको TN पैनल ही लेना चाहिए। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव गेमर हो और आपका बजट कम है और आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश रेट चाहिए, 120, 140, 160, 180, 200, 240, तो आपको TN पैनल ही मिलेगा उस रेंज पे और एक नॉर्मल प्राइस पे, एक रीजनेबल प्राइस पे। तो ये तो था TN पैनल जो कि बहुत ही हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लो रिस्पॉन्स टाइम के साथ आता है और एक अच्छे प्राइस पे भी आपको मिल जाएगा अगर आपको गेमिंग करनी है, लेकिन व्यूइंग एंगल्स और कलर एक्यूरेसी बहुत ही ख़राब है और घटिया है। तो कलर करेक्शन के लिए या फोटो या वीडियो एडिटिंग के लिए तो सोचना भी मत इस पैनल वाले मॉनिटर को लेना। अगर आपको फ़ोटो या वीडियो एडिटिंग करनी है, कलर करेक्शन करना है, प्रोडक्टिविटी करनी है, तो बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन IPS ही है। IPS किंग है कलर एक्यूरेसी, व्यूइंग एंगल सभी के मामले में। लेकिन अगर आपको VA लेना है तो VA भी ले सकते हो, लेकिन फिर आप एंटरटेनमेंट कंजम्पशन के लिए ले लो उसको, या अगर आप कुछ भी एडिटिंग नहीं करते हो, आपको सिर्फ हाई थोड़ा रिफ्रेश रेट चाहिए गेमिंग करनी और बाकी आपको मीडिया कंजम्पशन करना है, तो आप VA ले सकते हो। लेकिन अगर उसी प्राइस पे आपको IPS मिल रहा है, सेम स्पेक्स वाला IPS मिल रहा है जिसमें दोनों के रिफ्रेश रेट सेम है, तो आप IPS ही लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, और अगर मन में कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखनी है मेरे तरफ से तो चैनल टेक्निकल गाइड को भी कर लेना सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।